नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी आज लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर 3 महीने में 2,000 रुपये की किस्त देती है। जिनके आवेदन लगभग 2 साल पहले किए गए थे उनको लगातार जिनको किस्तें मिल रही हैं, तो ऐसे किसान हैं जो लगातार इन किस्तों को ले रहे हैं सही तरीके से, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे भी किसान हैं जो इसके लिए जो कैटेगरी बनाई गई थी उससे बाहर जाके किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। तो ये खबर ऐसी है कि उनके वसूली का टाइम अब आ गया है। जिन्होंने गलत तरीके से 2,000 रुपये वाली किस्त अगर ली है तो उनसे अब सरकार वसूली करेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनसे सरकार जल्दी वसूली करने वाली है। कई राज्यों में ये वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही ये शुरू गई है, इसलिए ही ये साइट बंद कर रखी है विभाग द्वारा, क्योंकि ऐसे बहुत किसान हैं जिन्होंने गलत तरीके से गलत जानकारी दे के गलत दस्तावेज बनवा के इस योजना के लिए आवेदन कर दिया गया था, और वो किसान भली भांति अपने योजना का लाभ ले रहे हैं। उनका कैसे भी करके फॉर्म अप्रूवल उन्होंने करवा लिया था, या विभाग की गलती से हो गया या किसी कर्मचारी की गलती से वो हो गया अप्रूवल और उनके लिए पैसे आने लग गए। तो सबसे पहले तो विभाग ने इस बार एक ऑप्शन जोड़ा है, ई केवाईसी वाला। इस केवाईसी का मतलब यह है कि अब जो आवेदन अगली किस्त जो मिलेगी, जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं पहले से ही, जिनको किस्त लगातार मिल रही है, उनके लिए ई केवाईसी ऑप्शन काम आएगा, क्योंकि ई केवाईसी जिन किसानों की हो जाएगी उन्हीं किसानों को आगे चल के ये योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा 2,000 रुपये वाली योजना का। अगर जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कर पाएंगे तो वो किसान इस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो ई केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अभी हमने ई केवाईसी के बारे में जाना, लेकिन अब हम जानते हैं कि वसूली जो रिफंड जो करना है हमें किस प्रकार से रिफंड करना पड़ेगा। ये ऑप्शन जोड़ दिया गया है और ये रिफंड आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनको ये रिफंड करना पड़ेगा? तो ऐसे किसान जो गलत तरीके से जिन्होंने आवेदन किया है, गलत तरीके का मतलब है जिनके पास कोई ज़मीन का रिकॉर्ड ही नहीं है, ज़मीन उनके पास उपलब्ध ही नहीं है, जिनके नाम ज़मीन है ही नहीं है, और उन्होंने अपनी ज़मीन दिखा करके इसके लिए आवेदन कर दिया गया था, और वो पटवारी के द्वारा, तहसीलदार जी द्वारा, जहाँ जहाँ भी इनकी प्रोसेस होती है राज्य के द्वारा या सेंटर में जाकर उनका फॉर्म कैसे भी अप्रूवल होकर पहुँच गया है और वहाँ से वो एक्टिवेट होके और आपको पैसा मिलने लग गया है, इस प्रकार से आवेदन जो गए हैं तो उनसे जांचा गया है कि क्या उनके पास ज़मीन है, कैसे भी करके यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई है तहसील लेवल से, और वहाँ रिपोर्ट पहुँचने के बाद पता चला है कि ऐसे करोड़ों किसान हैं जिन्होंने गलत तरीके से इसके लिए आवेदन किया था और अप्रूवल हो चुका है और वो योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए ये रिफंड का ऑप्शन डाल दिया गया है। जी ये रिफंड, इस रिफंड की श्रेणी में ऐसे किसान भी शामिल है जो सरकारी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी है, और लेकिन वो किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कितनी भी किसान ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिजिटल सेवा बीपी सिंह। हम आपको देते रहेंगे किसान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ, और बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जानकारी हम देते रहेंगे इसी प्रकार से एक बढ़कर अपडेट्स समय समय पर आपको हर योजना के बारे में हम बताएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो कि डिजिटल रूप से काम कर रही है और सरकार उन्हें सीधा सब्सिडी बेस पर उनको फायदा भी पहुंचा रही है। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो। चैनल पर अगर पहली बार हैं आप, तो विजिट पहली बार किया है आपने, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिजिटल सेवा विद बीपी सिंह।